हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे, उसके कुछ सवाल हो गए थे। आज उसी के आगे से करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ है, नीचे दी हुई 2 अवधारणाओं पर विचार कीजिए। इस पाठ में आप लोगों को पता है कि बहुत सारी अवधारणाएं और अभिग्रही थे, जो कि अब पीछे आप लोगों ने पाठ में पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक ये भी अवधारणा है, इस पर विचार कीजिए। 2 अवधारणाएं दी हुई है। 2 भिन्न भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, 2 डिफरेंट पॉइंट ए एंड बी दिया हुआ है, दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। इस तरह से दिया हुआ है, 2 डिफरेंट पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाली ये हमारी रेखा हो गई। अब कह रहा है एक तीसरा बिंदु सी है जो इन दोनों रेखाओं के बीच में स्थित है। ये पहले में दिया हुआ है, फिर दूसरा दिया हुआ है यहां, दूसरा इसी में दिया हुआ है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा में स्थित नहीं है। पहले तो कह रहा कि 3 बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में है, ठीक है ना। तो ये देखो तीनों एक ही रेखा पे दिए हुए हैं, और दूसरे अभिधारणा पे कह रहा है कि 3 बिंदु इस तरह से विद्यमान है, ए बी और मान लो सी यहां पे है, कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं, यहां 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 कहीं भी हो सकता है, बाहर हो सकता है, ठीक है ना, एक रेखा में स्थित नहीं है। ये 2 अभिधारणाएं दी हुई हैं, इनको करना कुछ नहीं है, 2 अभिधारणाएं दी हुई हैं, इसको केवल हमको ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये 2 अभिधारणाएं दी हुई हैं कि 2 दिए हुए बिंदु, अगर 2 पॉइंट हमको दिए हुए हैं, 2 दिए हुए बिंदु दिए हुए हैं, तो एक तीसरा बिंदु ऐसा हो सकता है जो इन दोनों के बीच में हो, ठीक है ना, या उसी रेखा पर हो, और दूसरी अवधारणा कहती है कि एक तीसरा बिंदु इस प्रकार होगा जो इसके बीच में नहीं होगा, अर्थात इस रेखा पर नहीं होगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है आगे देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है, क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। इन दोनों अवधारणाओं को पढ़ेंगे, इसमें क्या कोई अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 भिन्न भिन्न बिंदु, भिन्न भिन्न तो आप लोग जानते हो, 2 भी जानते हो, गिनती तो पहले दूसरी से पढ़ने लगे तो 2 तो जानते हैं, 2 माने 1 2, भिन्न डिफरेंट भी जानते हो, अलग अलग, फिर उसके बाद बिंदु आता है। बिंदु की डिफिनेशन गणित के अकॉर्डिंग एक दूसरी होगी, मैंने अलग लिखवाई थी उस दिन, तो बिंदु एक अपरिभाषित शब्द हो गया, ठीक है। ए बी आप लोग दिए जानते ही हो, फिर रेखा, इसमें एक रेखा भी आती है। तो कुछ ऐसे अनडिफाइंड शब्द हैं जिनको परिभाषित करने की जरूरत है। सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं? तो इसका जो हल है इस तरह से लिखेंगे, हां यस, ठीक है ना, यहां काफी सारे अनडिफाइंड वर्ड्स हैं, ठीक है ना, हां यहां कई अपरिभाषित शब्द हैं, हां यहां कई अपरिभाषित शब्द दिए हुए हैं, ठीक है ना, यहां पे कई अपरिभाषित शब्द दिए हुए हैं। फिर और आगे क्या कहता है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या ये दोनों संगत हैं, कंजिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो और आगे क्या लिखा हुआ है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये अभिधारणाएं संगत हैं, ये अभिधारणाएं संगत हैं, क्योंकि ये 2 भिन्न भिन्न सिचुएशन को डील कर रही है, ठीक है ना। वो सिचुएशन क्या है, 2 भिन्न भिन्न बिंदु दिए होने पर एक बिंदु सी इस प्रकार हो सकता है, ठीक है ना, और ये इस तरह से दिया हुआ है।
ठीक है। इसके आगे लिखेंगे हाँ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए, पहला क्वेश्चन जहां पे क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया वहां पे पहला क्वेश्चन, अब इसी पे दूसरा क्या ये उदाहरण है अविरोधी है तो लिखेंगे हाँ ये संगत है, ये अभिधारणा है, संगत है क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न परिस्थितियों को डील करती है, मतलब दर्शाती है, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या डील करती भाई ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ था, दो बिंदु ए तथा बी, दो बिंदु ए तथा बी, ये जो दो भिन्न भिन्न कंडीशंस दी हुई हैं, क्या लिखा हुआ है, दो बिंदु ए तथा बी दिए गए हैं, वहां पर तीसरा बिंदु सी ऐसा बिंदु है, ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं के और जो दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है, ये दो भिन्न बिंदु ए और बी, एक तीसरा बिंदु दिया हुआ है जो उसके बीच में स्थित है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यदि ए तथा बी दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी दो बिंदु पहले से दिए गए हैं, हम एक बिंदु सी ऐसा ले सकते हैं, तब एक बिंदु सी किस प्रकार होगा, जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती हुई रेखा पर स्थित नहीं होगा, तब एक बिंदु सी इस प्रकार लिया जा सकता है ए तथा बी दो बिंदु दिए गए हैं, तब एक बिंदु सी इस प्रकार लिया जा सकता है जो बिंदुओं ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा में ना, यदि ए तथा बी दो बिंदु दिए गए हैं तब एक बिंदु सी इस प्रकार लिया जा सकता है जो बिंदुओं ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज और लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्या ये अवधारणाएं यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं? तो ये यूक्लिड की किसी भी अवधारणा से हमको नहीं मिल रही है, ठीक है ना। इसको भी लिख देंगे, ये जो दोनों अवधारणाएं हैं इस प्रकार की कोई भी अवधारणा यूक्लिड ने नहीं दी थी, बल्कि यूक्लिड के एक अभिग्रहित में शायद आपने पढ़ा होगा कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है,
ये यूक्लिड के अंग्रेजी में आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने लेसन को बोला था आप लोग अपने से पढ़िए, उसकी पिक भी सेंड कर दी थी, ठीक है। तो यह यूक्लिड की यह अवधारणा है यूक्लिड की अवधारणाओं पर आधारित नहीं है। ये जो दोनों अवधारणाएं हैं ये यूक्लिड की अवधारणाओं पर आधारित नहीं है। बल्कि ये क्या करते हैं, ये यूक्लिड की उस अभिग्रहित का अनुसरण करते हैं जिसमें यूक्लिड ने कहा था कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा गुजरती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यह अवधारणा यूक्लिड की अवधारणाओं पर आधारित नहीं है बल्कि ये यूक्लिड की उस अभिग्रहित का अनुसरण करते हैं जिसमें किस अभिग्रहित का अनुसरण करते हैं, जिसमें यूक्लिड ने कहा था कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा गुजरती है। यूक्लिड की उस अभिग्रहित का अनुसरण करते हैं जिसमें कहा गया था कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इस अभिग्रहित का अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, ये इस तरह से दिया हुआ है। A और B दो बिंदु दिए हुए हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु C इस तरह स्थित है कि AC बराबर BC। जब AC और BC बराबर है इसका मतलब वो एकदम बीच पे सेंटर में होगा, इस तरह से। किस तरह से ये बिंदु C है, ये इतना जितना है उतना ये एकदम आधा आधा कर देता है, ऐसा समझना चाहिए, बीच में एकदम से, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। भाई जब आधा आधा कर दिया, समझ रहे हो बात को, ये बिंदु C क्या है, दिया हुआ है कि यह बिंदु सी क्या करता है, पूरी रेखा को आधा आधा कर देता है, एकदम बीच में है। तो ये पूरी रेखा का नाम क्या है, पूरी रेखा का नाम ए बी है, और आधा आधा कर देता है कि जो ए सी है इतना पार्ट, इस रेखा का इतना भाग, ये कितना हो जाएगा, पूरी रेखा का आधा 1/2 AB, और यही तो हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको दिया है, ऐसा फिगर ड्रा कर लेंगे, ठीक है ना, दिया है दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु
सी इस प्रकार है कि एसी बराबर बीसी, ये गिवन है, ये हमको दिया हुआ है, एसी बराबर बीसी क्या है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तब हमको सिद्ध करना है कि एसी बराबर हाफ एबी, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है एसी बराबर हाफ ए बी, एसी है, एसी बराबर हाफ ए बी, ठीक है ना। तो इसको सिद्ध कर देते हैं, उपपत्ति प्रूफ, ठीक है ना। हमको गिवन क्या है, ये दिया हुआ है एसी बराबर बीसी, ये चीज हमको दी हुई है, ठीक है। अब ये जो पूरी रेखा एबी है, पूरी रेखा एबी, यहां पे इसको नहीं लिखेंगे पहले, ठीक है ना, इसको हम ए डाल लेते हैं, ये गिवन है, एसी इक्वल टू बीसी गिवन है। देखो पूरी रेखा जो एबी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो पार्ट में लिख सकते हैं, एसी प्लस बीसी। अगर हम AC और प्लस BC, AC इतना और इतना जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा ना, AC प्लस BC इक्वल टू AB। तो हम AB को लिख सकते हैं AC प्लस BC, AC इतना प्लस BC इतना, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी रेखा AB हो जाएगी, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं AB बराबर AC प्लस AC, ये BC की जगह AC कैसे लिख दिया भाई, कैसे लिख दिया, BC लिखा था AC, ये देखो ऊपर BC और AC बराबर है, तो हम BC की जगह पे AC लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे समीकरण एक से, या ऐसा लिख सकते हैं चूंकि दिया है AC बराबर BC, अगर हम इसको अगर नहीं माने तो उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा AB बराबर, ये AC AC जुड़ जाएगा, एक एक दो AC हो गए, AC और AC 2AC हो गए। अब दो को हम इधर लेके आएंगे, बटे पे चलाएगा, इधर इंटू पे है, इधर बटे पे चलाएगा, तो ये हो गया AB बटे दो, इधर बचा AC, या इसी को हम लिख सकते हैं AC बराबर, इसको पहले लिख दिया उसको उस तरफ लिख देंगे, एक बटे दो AB, AB का आधा, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा, ऐसा ही है AB का आधा, AB बटे दो, एक ही चीज है, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। AC बराबर हाफ AB, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा सकते हैं, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है कि प्रश्न चार में, ये प्रश्न पहले वाले प्रश्न से रिलेटेड एकदम रिलेटेड है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है प्रश्न चार में, प्रश्न चार में सी रेखाखंड एबी का मध्य बिंदु कहलाता है, जब एसी बराबर हाफ एबी हमने सिद्ध कर दिया, पहले नहीं लिखा, ठीक है ना, एसी बराबर बीसी दिया हुआ था, पर जब हमने AC बराबर हाफ AB सिद्ध कर दिया, इसका मतलब C क्या है, उस रेखाखंड का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना। ये दोनों सवाल रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, और सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ नंबर में इस तरह से दिया हुआ है, देखो सिक्स नंबर में, फोर नंबर पे क्या दिया था, ए और बी दो बिंदु दिए हुए थे, ठीक है, इस पर एक बिंदु सी दिया हुआ था, और फिर हमने सिद्ध कर दिया कि एसी बराबर हाफ एबी, मतलब सी रेखा का एबी रेखा का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। अब हमको इसमें यह सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमको यह सिद्ध करना है कि एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है, कोई रेखा है उसका मिड पॉइंट एक ही होता है। इसके लिए हम इसका थोड़ा सा विलोम मान के चलेंगे, दो मान लेंगे, दो बिंदु है, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या होता है।
मान लिया इसमें हम एक और बिंदु मान लेते हैं डी। अब मान लिया कि डी भी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, डी क्या है इसका मध्य बिंदु है। फिगर जरूर बना लीजिएगा, है तो छोटा सा ही पर बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया है, सवाल में दिया है सी रेखा खंड या रेखा एबी का मध्य बिंदु है। यदि सी रेखा एबी का मध्य बिंदु है तब एसी बराबर हाफ एबी, ये हमने अभी सिद्ध कर दिया ना, एसी बराबर हाफ एबी भी सिद्ध किया था। सी इसमें दिया है मध्य बिंदु है तो ये रेखा एबी का मध्य बिंदु है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, तो हम मान लेंगे एक रेखा के दो मध्य बिंदु है, ठीक है ना। माना बिंदु डी रेखा एबी का मध्य बिंदु है, हमने बिंदु डी को मान लिया। तो देखो जब सी सी मध्य बिंदु था तो कैसे लिखते थे, ए सी बराबर एक बटे दो ए बी। जब सी मध्य बिंदु था तो कैसे लिखते थे, ए सी बराबर एक बटे दो ए बी का आधा, बीच में मतलब ए बी का आधा। तो जब डी मध्य बिंदु है तो कैसे लिखेंगे, अतः ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे दो ए बी हो जाएगा ना। जब सी मध्य बिंदु था तो ए सी बराबर ए डी का आधा, और जब डी मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर ए बी का आधा हो गया। चलिए अब हम इक्वेशन वन और टू को देखते हैं। इक्वेशन वन और टू में देखने पर हम ये देख रहे हैं कि ये राइट साइड दोनों में एक ही चीज लिखी हुई है, लिखी है ना तो इसमें यूक्लिड की एक अभिग्रही थी ना कि यदि कोई चीज एक दूसरे चीज के बराबर है, ठीक है ना, यदि दो चीजें दो वस्तुएं एक तीसरी वस्तु के बराबर है तो वो आपस में भी क्या होती है, बराबर होती है। ये सब आप लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही चीज आएगा, ठीक है। पहला ही अभिग्रही था कि ये वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है आपस में भी बराबर होती है। तो देखो ये एक वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु होगी, ये दोनों वस्तुएं एक ही वस्तु के क्या है, बराबर एक ही चीज है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो समीकरण एक व दो से जब ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर हो जाएगी, ए सी बराबर ए डी। और ये किससे है, ये आप लिख सकते हो यूक्लिड के अभिग्रही वन से, या फिर आगे चल के तुम ग्रेड नहीं लिखोगे इसका बहुत काम पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर दो इक्वेशन दिए हैं उनकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है ना। एसी बराबर एडी इसका मतलब क्या हुआ, एसी बराबर एडी का मतलब हुआ बिंदु ए से सी की दूरी। एसी का मतलब क्या होता है, बिंदु ए से सी की दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, बिंदु ए से सी की दूरी कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। बराबर किसके, एडी के। एसी बराबर एडी का मतलब क्या हुआ, एसी जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर एडी भी है, मतलब बिंदु ए से सी की दूरी और बिंदु ए से डी की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। बिंदु ए से सी की दूरी और बिंदु ए से डी की दूरी क्या है, बराबर है। और यह तभी संभव है जब बिंदु सी और डी एक ही जगह है, तब ना ए से सी की दूरी और ए से डी की दूरी बराबर होगी कि नहीं। जब बिंदु सी और डी एक ही जगह पर होंगे तभी एक दूसरे बिंदु से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी, अर्थात बिंदु सी तथा डी संपाती है, संपाती मतलब ओवरलैप करते, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर है, मतलब जहां पे सी है वहीं पे डी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, अर्थात बिंदु सी और डी एक दूसरे के ऊपर है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो एक ही बिंदु हो गए,
दोनों एक दूसरे के ऊपर है तब तो एक ही बिंदु हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। अर्थात बिंदु सी तथा डी संपाती है, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर है, अतः एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना। जब हमने दूसरा मान लिया कि भाई चलो मान लिया दूसरा भी मध्य बिंदु होता है, तो हम देखें कि वो बिंदु तो उसी के ऊपर है, बिंदु सी के ऊपर ही है, तो चाहे बिंदु सी पढ़ो चाहे बिंदु डी पढ़ो, कहीं दूसरी जगह होता तो ठीक रहता, पर वो दोनों बिंदु तो एक दूसरे के ऊपर ही है। इसका मतलब एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया हुआ है एक फिगर बना हुआ है, ए बी सी और डी, इस तरह से फिगर बना हुआ है और लिखा हुआ है कि यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। यदि ए सी, ए से सी की दूरी, ए सी जितना ये है उतना ही बी डी है, तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, ठीक है। तो फिगर बना लेंगे, उसके बाद दिया है, क्या दिया हुआ है हमको कि ए सी और बी डी बराबर दिया है ना, इतना एसी है बीडी दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन है क्वेश्चंस पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम एसी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एसी एसी बराबर हम लिख इतना पूरा, देखो एसी कितना है, ये पूरा एसी, एसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी, इतना प्लस इतना बराबर पूरा हो जाएगा, ये पूरा है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, नंबर। इसी तरह से हम बी डी को भी लिख सकते हैं, बी डी, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी इतना है तो बी सी और प्लस सी डी बराबर पूरा बी डी, तो ये हो गया हमारा बी सी प्लस सी डी, ये हो गया इक्वेशन। तो अब चूंकि दिया है कि ए सी और बी डी क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है ना, चूंकि AC और BD बराबर है, मतलब इसकी लेफ्ट साइड पहले से ही बराबर है, और मैंने अभी आपको बताया था कि यदि दो इक्वेशंस दिए हैं उनकी कोई भी एक साइड इक्वल हो तो दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो चूंकि ये हमको दिया हुआ है AC बराबर BD, अतः ये साइड भी इसकी समीकरण एक और दो से इक्वल हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी, ये दोनों क्यों बराबर हो गए, क्योंकि इधर की साइड क्या थी, बराबर थी, और वही यूक्लिड का पहला अंकगणित, ठीक है ना। चलो बी सी को घर लेके जाते हैं, तो ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये हो गया हमारा माइनस बी सी। अब ये देखो प्लस बी सी माइनस बी सी, प्लस और माइनस कट जाते हैं कि तरह का है, तो यहां हमको बचेगा ए बी बराबर सी डी, ये प्लस बी सी ये माइनस बी सी कट गया, ठीक है। तो हमको क्या सिद्ध करना था, हमको यही तो सिद्ध करना था, यहां पे लिख लेंगे दिया है और यहां लिख लेना सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी ऐसा, ठीक है ना, दिया है ए सी बराबर बी डी और सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, फिर यहां से लिख लेना उपपत्ति, मतलब यहां से इसका साल हो रहा, सिद्ध हो रहा, और यहां से सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया,
ठीक है ना, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, ए बी बराबर क्या होता है सी डी, इतना इसमें भी सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। सातवां नंबर यह दिया हुआ है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित पांच, यूक्लिड के अभिग्रहित जो भी रहे होंगे सारे अभिग्रहित एस नंबर आपको याद करने हैं कि पहला अभिग्रहित क्या है, दूसरा अभिग्रहित, क्योंकि अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही आता है, यूक्लिड का तीसरा अभिग्रहित लिखिए, यूक्लिड का पांचवा अभिग्रहित लिखिए, तो आप कोई भी नहीं लिख सकते हो, वो जैसे नंबर पे लिखे हुए हैं उसी तरह से याद करना है, उसी तरह से लिखना है। तो लिखा हुआ है कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित पांच एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले उसका पांच अभिग्रहित पांच था क्या, वो आप याद रखो, क्या है अभिग्रहित पांच, कि जो पूर्ण होता है, पूर्ण मतलब पूरा, वो हमेशा अपने हिस्से से अपने भाग से बड़ा होता है। क्या है अभिग्रहित पांचवा, पूर्ण हमेशा भाग से बड़ा होता है, मतलब समझे क्या कह रहा, जैसे ये रेखा ले लिया हमने, ठीक है, ये मान लो हमने एक रेखा ले ली, ठीक है, या कुछ भी ले लिया, सेब ले लिया, केला ले लिया, अनार ले लिया, क्योंकि ये जो अभिग्रहित है ये विश्व में सभी वस्तुओं के लिए, ये केवल रेखा के लिए नहीं, ये विश्व में सभी वस्तुओं के लिए ये अभिग्रहित सत्य है, इसलिए इसको सर्वव्यापी सत्य माना गया है। ठीक है, हम लोग यहां रेखा का एक उदाहरण लेते हैं, देखो ये पूरी रेखा हो गई, इसको हम पार्ट बाय डिवाइड करते हैं, मान लो यहां से लेके यहां तक को ये डिवाइड कर दिए, यहां से लेके ये छोटे छोटे पार्टों में इसको काट लिया इस तरह से, तो ये पूरी हो गई और ये उस रेखा के क्या हो गए, भाग है। तो क्या ये इतना बड़ा भाग, इतना बड़ा क्या इस रेखा से बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि ये तो पूरी रेखा है, हमेशा अपने छोटे वाले हिस्से से क्या होगी, बड़ी होगी, होगी ना, ठीक है। तो ये किसी भी चीज के लिए सत्य है, ठीक है ना, तो यही इसमें लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न पांचवी अभिधारणा से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये अभिग्रहित है, ऐसा मत समझना कि ये क्या है, पांचवी अभिधारणा है, ठीक है ना, पांचवी अभिधारणा क्या थी, अवधारणा और अभिग्रहित आपको याद करना है, पांचवी अभिधारणा होगी कि यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरती है, यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरती है इस तरह से, तो जिस ओर, यहां पे कोण बनेंगे बहुत सारे, ये कोण आपको भी बताए जाएंगे क्या कहलाते हैं, बाद में बताए जाएंगे, ठीक है ना, जिस कोण की जिस तरफ, दोनों तरफ बनेंगे, इधर भी बनेंगे और इधर भी बनेंगे, ठीक है ना, जिस तरफ पे दोनों कोणों का योग 180 अंश से कम होगा, जिस तरफ के दोनों कोणों का योग 180 अंश से कम होगा, उधर ही दोनों रेखाओं को हम बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है ना, किसी भी प्लेन पर अगर हम दो रेखाएं ड्रा करते हैं तो दो ही स्थिति संभव है, कौन कौन सी स्थिति संभव है, पहली स्थिति या तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी या दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी, अगर हमको काटती हुई यहां नजर नहीं आ रही और इन दोनों कोणों का योग 180 अंश से कम है तो इसको और हम बहुत दूरी तक बढ़ाएंगे, क्योंकि रेखा है, रेखा की लंबाई क्या होती है, इंडेफिनिट होती है, तो उसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है कहीं पे काटती होगी, बट रेखा के बारे में हम और ज्यादा चर्चा अगले चैप्टर पे करेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा है ही लाइंस एंड एंगल्स, वहां पे इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें चलते हैं, क्वेश्चन था कि यूक्लिड के अभिग्रहितों में दिया हुआ अभिग्रहित पांच एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है कि भाई ये सर्वव्यापी सत्य है, तो हमने बताया ना कि पूर्ण हमेशा भाग, सर्वव्यापी सत्य का मतलब सभी जगह, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब पूरे विश्व में, ये एकदम सत्य है, तो लिख लेते हैं,
यूक्लिड का पांचवा अभिग्रहित, पांचवा अभिग्रहित पूर्ण अपने भाग से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पांचवा विग्रहित क्या है कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। यह ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु के लिए सत्य है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु ले लो, उस वस्तु के लिए क्या है, ये सत्य है कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, हमेशा बड़ा। कोई भी वस्तु ले लो, सबके लिए सत्य है क्योंकि किसी वस्तु का भाग, कोई वस्तु है उसका भाग करो, किसी वस्तु का भाग उसी वस्तु के पूर्ण भाग, पूर्ण भाग मतलब पूरा भाग से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, यह एक सर्वव्यापी सत्य है। ठीक है, सर्वव्यापी सत्य क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो कभी भी किसी भी वस्तु के लिए बड़ा नहीं होगा हिस्सा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है। सारे क्वेश्चन लगभग मैंने बताए हैं, आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 है, वो भी बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, केवल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट हम उसको देखेंगे दूसरे दिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।